क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, मैं आपको इस वार्षिक परीक्षा में टॉपर बनाकर ही छोड़ूंगा। जैसे कि मैंने इन बच्चों को बताया था, जो जो चीजें इन्होंने फॉलो करी, मैंने बताया जो चीजें याद करी, तो ये आपके सामने रिजल्ट है, टेंथ क्लास का रिजल्ट है ना। आपको नाइन्थ में भी टॉपर बनाएंगे ना, आप घबराइए मत, एकदम फ्री, एक रुपया किसी को शुल्क मत दे देना, ठीक है। इसी चैनल पे ही सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। चलिए, तो देर किस बात की है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? सांभर, अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी है। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया स्टालिन। 2015 तक किस देश की औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? सऊदी अरब की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, वो पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में। यहां से अपन देखते हैं ये, ठीक है, यहां से चौथा है, ये पांचवा छठा है, ठीक है। अब है रिक्त स्थान। भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है। क्या है? विश्व का सातवां बड़ा देश। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत जो होता है वही 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोगार्ड की हालत बहुत खराब थी। तो यहां पर जा पेट्रोगार्ड, ठीक है। आप तो मैं बताऊं, जितने अच्छे से कंप्लीट करो, घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, ठीक है। आप तो चार पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, चारों को कंप्लीट करना है ना। चलिए, कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा कृषि एक जो है मौसमी कार्य है, हो गया। यहां से देखिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। गुप्तचर पुलिस का जाएगा चेका, ठीक है। क्या है इसका पहले का मिलान? आपको चेका से करना है। दूसरा जो है इसका 2000 आ जाएगा, ग्रामीण योजना का। प्रथम पूर्ण जनगणना इसका जाएगा 1881। चौथे का जाएगा आपका ब्राजील। पांचवा जो है अग्नि अध्यादेश 28 फरवरी 1933। और अधिक उपज देने वाला बीज आ जाएगा HYV। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा जी है। दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? एल नीन है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। कितने पुरुष है? 1000 पुरुष है पर कितने हैं? 940 महिलाएं। और यहां पर देखिए, चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तानाशाही शासन प्रणाली है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया तो महात्मा गांधी ने। अगस्त 2002 में किस वर्ष ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? ठीक है, लीगल फ्रेंक वर्क ऑर्डर। और सत्य सत्य की बात करें तो पहला आपका ये गलत हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है, तीसरा गलत रहेगा आपका, चौथा जो है वो आपका बिल्कुल एकदम राइट है, पांचवा सत्य रहेगा, छठा जो है वो सत्य रहने वाला है। ये ठीक है, बढ़िया से ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दूँ,
है ना। चलिए छठे के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर छठे का थोड़ा है, देते आप स्क्रीनशॉट है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका सात देख लीजिए, सम जलवायु किसे कहते हैं, जहां पर देखिए वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर दस है आपका, क्वेश्चन नंबर ये दस का हुआ, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति में 14 जुलाई का महत्व। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये यहां से देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध का हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये यहां से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इसके बाद में लोकसभा लोकतंत्र की विशेषताएं, इसके बाद में यहां से यहां तक हो गया, ये यहां से संविधान का क्या महत्व है लिखिए, स्पष्ट कीजिए रंग भेद से क्या अभिप्राय है, परिणाम हो गया इतना। इसके बाद में ये थोड़ा सा, पालमपुर में बिजली के प्रसार में किसानों की किस तरह मदद की, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, यहाँ से ये 16वां का थोड़ा है, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो। ये हिटलर वाला प्रश्न है, हो गया, यहां से देख लीजिएगा। ये भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया को लिखिएगा, यहां से हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ा है, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, ये लोकसभा की कितनी 5 शक्ति है बताइए, तो ये पहली हो गई है। इसके बाद में ये दूसरी आ जाएगी, तीसरी लेते आओ स्क्रीनशॉट फटाफट है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4थी और 5वीं शक्ति है उसकी, क्वेश्चन नंबर ये 22 हो गया, ठीक है। यहां से देखिए स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, इसके बाद में ये मौलिक अधिकारों से क्या से है, मौलिक अधिकारों का महत्व, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 23, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है,